अशोकनगर गुना शिवपुरी ग्वालियर का दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते मुख्यमंत्री ने दौरा रद्द किया है, ये निरस्त किया है। केंद्रीय जांच दल के साथ अब कल शाम 7 बजे वो बैठक करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान पर भी केंद्रीय जांच दल से वो बैठक करेंगे, लेकिन फिलहाल के जितने भी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त के प्रोग्राम के बाद वो ठीक थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कि पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। जानकारी के अनुसार सीएम शिवराज के गले में काफी तकलीफ थी, पिछले 2 दिन से खराश और बोलने में भी परेशानी थी। बावजूद इसके वो कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे, इसी कारण दिक्कत बढ़ गई और सोमवार को ही डॉक्टरों ने उन्हें वोकल रेस्ट के लिए आराम करने को कहा है। अभी फिलहाल हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा फोन लाइन पर हैं। फिलहाल क्या हालचाल है आकर्ष सीएम शिवराज सिंह चौहान के? सीएम की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ने उनके गले में जो खराश थी और बोलने में तकलीफ हो रही थी, यही कारण है कि उनको पहले 1 दिन का रेस्ट दिया गया था, वोकल रेस्ट। लेकिन जिस तरीके से उनकी हालत को डॉक्टरों ने देखा है, जांच की है, उसके बाद उन्हें कल भी रेस्ट करने की सलाह दी गई है, और यही कारण है कि आज जिस तरीके से उनकी हालत खराब हुई, 2 दिन से लगातार उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सलाह नहीं ले रहे थे, और यही कारण है कि थोड़ी हालत जो है और बिगड़ गई। यही कारण है कि अब 2 दिनों के लिए रेस्ट के लिए कहा गया। आज विदिशा के जो कार्यक्रम था वो भी निरस्त करना पड़ा था, और उसके बाद यदि हम कल की बात करें तो अशोकनगर गुना शिवपुरी ग्वालियर का सीएम शिवराज सिंह चौहान का कल प्रस्तावित दौरा था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। हालांकि बाढ़ को लेकर जो नुकसान हुआ था, केंद्रीय दल के साथ जो बैठक है कल शाम 7 बजे होगी, उसको लेकर भी यही रहेगा। जिस तरीके से साहिदा सीएम की हालत को देखा जाएगा, उसके बाद ही बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं उनका जो केंद्रीय दल से जो बैठक है, उसी के बाद कल फैसला लिया जाएगा कि उसमें वो ऑनलाइन शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कल के पूरे कार्यक्रम सीएम के निरस्त कर दिए गए हैं। साहिदा जी, आकर्ष आपका शुक्रिया हमें तमाम अपडेट देने के लिए। तो फिर सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान रेस्ट पर आ गए हैं, उन्हें वोकल रेस्ट की सलाह दी गई है। मुसलसल वो भाषण दे रहे थे, लगातार उनकी गतिविधियां हो रही थी और गले की परेशानी थी, फिलहाल वो रेस्ट पे हैं और कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान के जल्द सेहतमंद होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात को रखा है और कहा है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, ऐसी वो कामना करते हैं। कमलनाथ का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। आपको बता दें पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने की कामना की है और ट्वीट किया है।